नमस्कार गाइस, देखिए आज मेरे पास एक होम थिएटर टावर आया है रिपेयरिंग के लिए, जिसका ऊपर का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इसको खोल के क्या प्रॉब्लम है, ऊपर का आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, लंबा सा बड़ा सा टावर है ये, 4 फुट का। तो देखिए मैंने इसको खोल के रखा है। अभी देखिए इसको मैंने चेक किया तो इसका जो वूफर आईसी है 1 नंबर का, वो ख़राब हो चुका है। और इसकी वजह से इसका जो वूफर नहीं बज रहा था, और बाकी के जो छोटे स्पीकर है वो बज रहे थे। तो देखिए ये जो दोनों आईसी वूफर के लिए है, लेकिन एक आईसी ख़राब हो चुका है। और ये ख़राब होने के कारण, वूफर आईसी ख़राब होने के कारण जो ऊपर नहीं बज रहा था। तो चलिए देखते हैं, उसको निकालते हैं और दूसरा डाल के देखते हैं क्या अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। चलिए तो देखिए, यहाँ से हमने उसको पलटी मारा और देखिए यहाँ से हम उसको निकालेंगे। यहाँ का जो आईसी है इसको निकालना पड़ेगा हमें। तो डिसोल्ड वायर से हम उसको निकालेंगे, शोल्डर को डिसोल्ड वायर का है। 1 मिनट, ओके मिल गई। चलो ये वायर से हम शोल्डर निकालेंगे और आईसी बाहर निकालेंगे पीसीपी से। 2030A करके ये आईसी आता है पीसीपी को, और होम थिएटर को जो बास के लिए और छोटे मिड के लिए भी वही आईसी लगता है। तो ये आईसी थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करने से या बहुत देर चलने से ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए अभी हम आईसी निकालते हैं, आपको दिखाते हैं निकाल के। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा आईसी निकालने के लिए। ड्राई शोल्डर करना पड़ता है उसको थोड़ा सा डिसोल्ड वायर से। और याद रहे कि जब हम आईसी निकालते हैं, और आईसी आप निकालेंगे तो नीचे वाले जो ट्रैक है पीसीपी के, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। ये ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि कभी कभी वो ट्रैक ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हमें उसको दूसरा ट्रैक जोड़ के फिर लगाना पड़ता है। तो ऐसा कभी मत करना। 1 मिनट ज़्यादा लग गया, 2 मिनट ज़्यादा लग गया तो चलेगा, लेकिन धीरे से निकालना। तो चलिए हमारा ड्रॉय शॉल्डर हो चुका, और अब हम आईसी को निकालते हैं। उसका स्क्रू लगा हुआ है तो स्क्रू निकालेंगे। देखिए थोड़ा नज़दीक से मैं करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो स्क्रू निकाल के हम आईसी निकालेंगे। ये देखिए, ये आपको नंबर स्क्रीन पे दिखता है या नहीं, लेकिन मैं नंबर आपको बताता हूँ। 2030A करके जो आईसी है, वो आईसी है 5 पिन का। तो चलिए हम अब हम नया आईसी डालते हैं उसमें। देखिए यहाँ पे नया आईसी डाल के फिर चेक करेंगे, क्योंकि दोनों दो आईसी लगे हुए हैं वूफर के लिए। तो एक चेक किया, एक तो अच्छा है लेकिन एक ख़राब था, तो हमें एक ही चेंज करेंगे, हम दो नहीं चेंज करेंगे। कभी कभार हमें चेक करने के बाद आईसी अच्छा दिखाता है लेकिन वो ख़राब होता है, लेकिन तो ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन हम अभी लगा के चेक करेंगे, वूफर
बज गया तो ठीक है, नहीं बजा तो फिर हमको दूसरा भी आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 100% तो एक ही आईसी ख़राब है। तो चलिए चलिए हमने जो आईसी फिटिंग कर दिया है और उसको सोल्डर करते हैं। अभी पांचों पॉइंट अच्छे से सोल्डर करना पड़ेगा हमें। और देखिए जो नए लोग हैं उनके लिए एक मुझे बताना ज़रूरी है, जब सोल्डर करते हैं तब एकदम ओके सोल्डर करना, क्योंकि एक भी पॉइंट इधर उधर लग गया थोड़ा भी तो आईसी शॉर्ट हो सकता है, तो अपना काम नहीं बनेगा। तो कभी भी जो अपना भिंका चाहती है जो उससे देख लेना कि हमारा जो शोल्डरिंग है नज़दीक नज़दीक है तो शॉर्ट भी हो सकता है। और ये देखिए मैंने पीसीबी क्लीनिंग कर दिया है थिनर लगा के, तो वैसा ही कर लेना पड़ता है, क्योंकि उससे हमें क्लियरली दिखता है कि अपना पॉइंट शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कभी भी वो देख लेना, नहीं तो अपना हमें ऐसा लगता है कि हमें हमने नया आईसी डाल दिया, चालू क्यों नहीं हुआ। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आता है कि नया आईसी डालने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि एक आधा पॉइंट थोड़ा भी शॉर्ट हो गया तो अंदर से कम्यूटेटर चालू करने के बाद वो शॉर्ट हो जाता है और उसकी आवाज़ ही नहीं आती। तो हमें लगता है यार ऐसा क्यों हो गया, तो ज़रूर देख लेना कि अपना पॉइंट शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए हमारा आईसी लग चुका है और हम अभी उसको फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा टावर होम थिएटर है वो ओके हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से 100% ओके होना चाहिए, तो देखते हैं अभी फिटिंग करके, क्योंकि हम ऐसे ही फिर चेक करते, लेकिन उसकी जो वायर है लगे हुए बहुत छोटे छोटे हैं और चालू करेंगे तो वो टूट भी सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रॉपर फिट करके उसके बाद चेक करेंगे। नहीं चालू हुआ तो फिर उसका साइड का आईसी चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लगता है कि हमें आईसी की बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोनों आईसी की, तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों देखिए वीडियो कैसा लगा, और हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, और आप जैसे सब्सक्राइब मेरे बढ़ेंगे तो ही मुझे ये ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा, तो मैं बनाता रहता हूँ। देखिए ये अपना होम थिएटर चालू हो चुका है और बहुत बढ़िया लुक है इसका दिखने में, और हम यूएसबी केबल लगा रहे हैं, और देखिए यहाँ से आवाज़ बढ़ा रहे, तो ओके होम थिएटर चालू हो गया और हमारा वूफर भी चालू हो चुका है। और देखिए दोस्तों हम इसका आवाज़ तो हम चला के नहीं दिखा सकते इसको, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आता है, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो अपना जो प्रॉब्लम था वो के तरीके से चालू हो चुका है, और कभी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है तो वो ऐसे ज़रूर चेंज करके देखना। अपना जो प्रॉब्लम है कभी ऊपर नहीं बचता है, तो वो प्रॉब्लम 100% ओके हो जाएगा। तो ये अपना होम थिएटर ओके तरीके से चालू हो चुका है और बज भी रहा है, साउंड भी इसका बहुत बढ़िया है, और कोई फंक्शन के लिए या कुछ थोड़ा घर में कार्यक्रम होता है इसके लिए ये जो होम टावर है एकदम बढ़िया है, उसमें लगा सकते हैं घर के लिए, और उसके लिए उसके अंदर ब्लूटूथ है, बॉक्स है, और यूएसबी केबल यूएसबी लगाने के लिए सॉकेट भी है, तो अच्छा होम थिएटर है। चलिए
रेडिएटर को।